I welcome Pastor Justin Varghese from Dallas for the Word of God. Pastor Justin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए आज की इस रात के लिए मैं खुदावन के शुक्रगुजार हूं जो खुदावन ने हमको दिया है कई लोग आज के साथ को ना देख पाए दुनिया से चले गए मगर खुदावन ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है इसलिए हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं मैं आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा था और आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ उन सारे विषयों में मैं भी प्रार्थना कर रहा था कि खुदावन आने वाले दिनों में हमारे लिए सारे रास्ते खोले क्योंकि वचन ये बोलता है कि वो जब एक रास्ता खोलता है तो वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता और जब खुदावंत एक रास्ता बंद करता है तो उसको कोई खोल भी नहीं सकता आइए हम दुआ करें एक और बार वचन को बोलने से पहले एक और बार हम अपने आप को समर्पित करें पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर में खुदावन जो तूने हमको दिया है खुदावन सब कुछ हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावन आज की रात तू हमसे बात कर तेरे वचन से तू हमसे बात कर हमें छू हमारे बदन को छू हमारे रूह को छू और हमारी हमसे तू बात कर ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कहना चाहते खुदावंत मगर तेरी पाक रूह से हमको तू भर दे और तेरी पाक रूह की भरपूरी में वचन को बोलने के लिए खुदावंत तू मेरी मदद कर तेरे हाथ में हम देते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं सुनो ग्रहण कर आमेन व्यवस्था विवरण उसकी तीसवा अध्याय 19वां पद व्यवस्था विवरण उसका तीसवा अध्याय 19वां पद ऐसा कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाती हूं कि मैंने जीवन और मरण आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है इसलिए तू जीवित ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे खुदावंत ने हमारे सामने दोनों ऑप्शंस दिए हैं जीवन और मरण का उसने आशीष और शाप दोनों का एक ऑप्शन एक चुनाव करने का एक विकल्प खुदावंत ने हमको दिया है मगर हम कई दफा हमारे जो निर्णय हम लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हम आप सांसारिक रूप से लेते हैं या आत्मिक रूप से लेते हैं देखिए हम इस संसार में रहते हैं जरूर है मगर हम इस संसार के नहीं हैं हमारी सोच सांसारिक रूप से नहीं होनी चाहिए बिकॉज इस संसार से अगर हम अब अपने सोच को अगर इस संसार में हम केंद्रित करें तो हमें पता चलता है कि इस संसार में हमें सिर्फ नकारात्मक चीजें ही मिलती हैं वरन पवित्र आत्मा में अगर हम अपने सोच को केंद्रित करते हैं परमेश्वर में हम अपने सोच को केंद्रित करते हैं और ईश्वर की भावनाओं में हम अपनी अपनी सोच को केंद्रित करते हैं तो हर चीज हमें सकारात्मक नजर आएगी हो सकता है आपकी अवस्था आज आपके कंट्रोल में ना हो आपके पकड़ में ना हो आप जैसा चाहते हैं वैसा चीजें नहीं हो रहा हो मगर फिर भी अगर आपने अपना मन ईश्वर में पवित्र आत्मा में आपने केंद्रित कर रखा है तो आप चाहे किस भी अवस्था से गुजर रहे हो आपको हर चीज सकारात्मक ही नजर आएगी नकारात्मक नहीं आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा आज की रात एक चील की कहानी एक गलती से एक चील का एक अंडा मुर्गियों के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है और बड़ी मुर्गी जो है वो सारे अंडों के ऊपर बैठती है तो सारे अंडों में से एक एक चूजा निकलता है मुर्गी का चूजा निकलता है मगर एक अंडा क्योंकि चील का था तो वो चील का बच्चा उसमें से निकलता है अब ये चील का बच्चा देखता है कि जो छोटे मुर्गियों के बच्चे हैं ये खाना खाने के लिए दाना चुगने के लिए धरती में अपनी चोंच मार रहे हैं तो चील भी वैसा ही करने लगा और उसने देखा कि मुर्गियों के जो चूजे हैं ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं पंख मार रहे हैं मगर उड़ नहीं रहे और ये देखकर चील का बच्चा भी ऐसा ही करने लगा और देखते देखते सब बड़े हो गए एक दिन जब बाहर वो खेल रहे थे तो चील की नजर एक दूसरे चील पर पड़ी जो आकाश के ऊंचाइयों में उड़ रही थी तो उस चील को देखकर इस चील ने बोला चील के बच्चे ने बोला कि वो जो चिड़िया आसमान पर है वो तो मेरे जैसे दिखती है मेरे जैसे इसके पंख हैं तो फिर मैं इनके जैसा दिखता नहीं हूँ मुर्गियों जैसे
तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा क्यों, मैं भी वैसा उड़ सकता हूँ। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से बोला, माँ मैं भी वैसा उड़ना चाहता। तो मुर्गी माँ ने बोला, बिल्कुल नहीं, तू मुर्गी है, तू मुर्गी की तरह रहे, वो चील है, चील उड़ सकती है, तू नहीं उड़ सकती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्राई करके देखूं। तो उसने अपना पंख खोला, पूरी तरह से खोला और उसको फड़फड़ाया, उसको उसको हिलाने लगा, वो तो धीरे धीरे वो इस धरती के आकर्षण से बाहर उड़ती गई और ऊंची उड़ी और आसमान के ऊंचाइयों में चली गई। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम अक्सर हमारे हमारे आसपास, हमारे कार्यस्थल में, हमारे चाहे हमारे रिश्तेदार हो, जो कोई भी हो, हम कुछ मुर्गियों के बीच में, चूजों के बीच में हम इस तरीके से फंस गए हैं, ताकि हमारी सोच भी कुछ उनकी तरह हो जाती है। वो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। हम एक किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ अगर हम 10 दिन गुजार ले तो आप भी नकारात्मक हो जाते हो, हर चीज में आपको नकारात्मक चीजें नजर आती है। अगर एक आत्मिक व्यक्ति के साथ अगर अपना अपना समय आप गुजारें तो आपकी सोच एक आत्मिक रूप से हो जाती है। यही चीज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, खुदावन ने आशीष और श्राप दोनों आपके हाथ में, आपके सामने दे रखा है, इसका चुनाव करना आपके हाथ में, जीवन और मृत्यु आप इसका निर्णय लें। जीवन हम देखें दोस्तों, हर एक दिन हम हजारों निर्णय लेते हैं। आज दोपहर को क्या खाना खाएंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके कहाँ घूमेंगे, कौन सा किताब पढ़ेंगे, कई निर्णय हमको लेना पड़ता है। एक सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है, क्या खुदावंत हमारी हर एक निर्णय में उसकी उसकी इच्छा है क्या, वो अपनी रुचि रखता है क्या? मैं आपको बताऊं, हमारा खुदावंत हमारी छोटी सी चीजें, छोटी से लेकर बड़ी सी चीज तक, हमारी हर एक चीज में हमारा ईश्वर रुचि रखता है। वो जानना चाहता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमसे प्यार करता है। हमारे ईश्वर की आंखें हैं और उसको दिखाई देती हैं, उसके हाथ हैं और वो आपको छू सकता है, उसके पैर हैं, वो चल सकता है और वो आपके साथ हमेशा रहता है। हमारी जिंदगी में अगर पूरे दिन में हम देखें तो कई क्षेत्र हैं जिसमें हमको निर्णय लेना पड़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम ईश्वर से, हमारा संबंध ईश्वर से होता है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, आपका मनोवैज्ञानिक मतलब आपका मन, मस्तिष्क, इच्छाएं, भावनाएं। आपका सामाजिक क्षेत्र मतलब आपका संबंध दूसरों के साथ संबंध। आपका शारीरिक क्षेत्र मतलब आपकी देह या शरीर, मतलब आपकी बीमारियां और उस सारी वो सारी क्षेत्र हैं। वित्तीय क्षेत्र जहां पे आपका धन आता है। वैवाहिक क्षेत्र जहां पे आप पत्नी और आपका परिवार आता है। इन सारे क्षेत्रों में हमें कहीं ना कहीं हजारों निर्णय एक दिन में लेना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम कैसे निर्णय लें, अपने कार्यस्थल में हम क्या करें, कैसे निर्णय लें। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम जिस भी क्षेत्र में रहें हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि हम यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी से दुनिया को दिखाएं, यीशु मसीह को हम अपने बोल चाल से, हमारे व्यवहार से लोग कहें, इनको देख के लोग कहें कि ये तो मसीही है, ये तो मसीह को मसीह के फॉलोअर्स हैं, ये दे आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एंड द क्रिश्चियंस, ये तो मसीह के चेले हैं। और चेला कौन? चेला वही जो अपने गुरु जैसा हो, गुरु को इस दुनिया को दिखा सके। दोस्तों हम मसीही, एक मसीही परिवार में पैदा होने से मसीही नहीं बनते, मगर मसीह को हमारे जिंदगी में उतारने से, मसीह को हम हमारे फॉलो करने से, उसको उसके उसके चेले बनने से, शागिर्द बनने से हम मसीही बनते हैं। हमारे सारे क्षेत्रों में ये हमारा हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मसीह को इस दुनिया में दिखाएं। क्या ये इतना आसान है? नहीं दोस्तों, ये आसान नहीं है, क्योंकि हम जब दुनिया में रहते हैं, दुनिया में कई तरह की आवश्यकताएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह के प्रश्न हमारे दिल में उठते हैं, हम कैसे इस दुनिया में रहकर एक मसीही जिंदगी जी सकते हैं। यीशु मसीह भी इस चीज को जानता था कि ये संभव नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं जा रहा हूं ताकि मेरे पीछे जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा
वो आपके साथ रहेगा, आपके हर एक क्षेत्र में आपके साथ रहकर आपका एक दोस्त बनकर एक व्यक्तित्व, परिशुद्ध पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, वो आपके साथ रहकर आपको सही राह दिखाएगा। दुनिया में कई राह ऐसे हैं जो आपको सही भी ले जा सकता है, गलत भी ले जा सकता है, मगर पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर जो सही राह है वो आपको दिखाएगा, जो गलत राह है वो भी आपको बताएगा। तो मसीह जीवन जीना है हमें, तो जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की भरपूरी में एक एक दिन हम आगे गुजारें। जीवन और मृत्यु, जैसे हमने अभी पढ़ा, आज मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना लेना। ईश्वर की आपके लिए ये इच्छा है कि आप जीवन का चुनाव करें। जीवन का चुनाव करने का तात्पर्य ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि कौन सा रास्ता सही है, और पवित्र आत्मा जो आपको रास्ता बताएगी शायद वो दुनिया के रास्तों से अलग होगा, शायद वो रास्ते जो दुनिया के लोग लेते हैं उससे विपरीत होगा, मगर मैं आपको बता दूं, अगर पवित्र आत्मा ने आपको सही राह दिखाया है और आप उसको अपने जिंदगी में लागू करते हैं तो आपको कभी भी मृत्यु की अवस्था नहीं आएगी, वरन आपको जीवन की ओर आप बढ़ेंगे, आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ेंगे जो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आप देह, अपने शरीर, अपने इस शारीरिक भावनाओं पर अगर विजय नहीं होते हैं और उसको अगर आपको डोमिनेट करने का आप अधिकार देते हैं तो वो आपको जीवन की ओर नहीं वरन मृत्यु की ओर ले जाती है। रोमियो की पत्री 8:6 रोमियो की पत्री 8:6 इस तरीके से कहता है, दोस्तों शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम आत्मा पर मन लगाएं, चाहे हमारी अवस्था कैसी भी हो, चाहे हम किसी भी अवस्था से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक शांति होगी, और वो शांति कहाँ से आती है? ईश्वर की तरफ से आती है। मैं ये नहीं कहता जो मसीह में है उनके सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता, मगर आपके जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो ईश्वर के जाने बिना नहीं होगा, और ईश्वर के जानने से अगर हो रहा है और आप ईश्वर के साथ निरंतर चल रहे हैं, चाहे अवस्था कितनी भी बुरी हो, आपके अंदर एक आत्मिक शांति होगी जो दुनिया के लोगों में कभी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप किसी भी रास्ते का आप चुनाव कर सकते हैं, चाहे तो आप दुनिया में जो लोग करते हैं वही करें, चाहे आप इच्छा ईश्वर की इच्छा के हिसाब से पवित्र आत्मा की इच्छा से चले, ये आपके हाथ में है। दोस्तों कभी कई चीजों में हमें शांत रहना पड़ता है, हाँ कई चीजें हमारे कार्यस्थल में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में कई समय ऐसा आता है जब कहीं ना कहीं हम भी इस दुनिया के लोगों की तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह हम भी व्यवहार करना चाहते हैं, हम भी एक के दो के बदले दो, और कोई हमें एक कुछ बोले तो हम भी उल्टा बोलना चाहते हैं, मगर दोस्तों वो संसार से आता है, वो ईश्वर से नहीं आता है, और पवित्र आत्मा हमें वो कभी नहीं सिखाती है। गलातियों की पत्री उसके 6:7-8 मैं आपके पढ़ूंगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर तटकों में नहीं उठाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो आपने शरीर में बोया है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। शरीर में इस दुनिया में जब हम रहते हैं और अगर हमें एक निर्णय लेना है, दोस्तों हम क्या करते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ इस दुनिया से आता है। हम घमंडी बन जाते हैं, क्योंकि घमंड इस दुनिया से आता है। हम मिथ्या अभिमानी बन जाते हैं, क्योंकि वो भी दुनिया से आता है। आपको आप चाहते हैं कि हर चीज आपके अधिकार में हो, आप किसी के अधिकार में नहीं जाना चाहते, ये भी दुनिया से आता है। विनम्रता आप में नहीं होती, वो भी दुनिया से आता है। भय, आपके अंदर एक भय आ जाता है, वो भी दुनिया से आता है।
ये सारी चीजें दुनिया से और देह से आती है, और इसके आधार पर अगर आप निर्णय लेते हैं दोस्तों, तो वो आपको जीवन की ओर नहीं वरन एक मृत्यु की ओर, अनंत मृत्यु की ओर ले जाती है। मगर आत्मा अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा जो हमारे यीशु मसीह में था, वही आत्मा आपके अंदर है, तो क्या होता है दोस्तों, आत्मा जो चाहता है उसके आधार आधार पर लिए गए निर्णय देह के प्रेरक के आधारित नहीं होते। फिलिपियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय तीसरा पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद, विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से, देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ पे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल है, कभी लोग हमारे विरुद्ध काफी कुछ करते हैं, काफी कुछ बोलते हैं, मगर आपके अंदर वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है तो आप किसी के किसी के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे, वरन आप दीनता से एक दूसरे को, सामने वालों को आप आपसे बढ़कर समझेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पांचवा पांच से लेकर सातवां पद और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता हो गया। देखिए हमारा गुरु, हमारा जिसके हम चेले हैं यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को उच्च स्तर पर नहीं रखा, मगर वो दास बन गया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समान हमारे लिए इस धरती पे आ गया, क्योंकि वो आपसे हमसे इतना प्रेम रखता है। दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके जिंदगी में आपने चाहे आध्यात्मिक क्षेत्रों, सामाजिक हो, शारीरिक क्षेत्रों, जो भी क्षेत्र में आप निर्णय लेते हैं, आपके पास दो चुनाव है, या तो आप आत्मिक चुनाव ले सकते हैं, चाहे आप नहीं तो आप देह के ऊपर या इस शारीरिक चुनाव आप ले सकते हैं। शारीरिक चुनाव में, इस दुनिया के चुनाव में हमेशा स्वार्थ, घमंड, मिथ्याभिमान और अधिकार और भय होगा, मगर आत्मिक क्षेत्र में जब आप एक निर्णय लेते हैं तो ईश्वर का भरोसा रखें, ईश्वर आपके साथ है। दोस्तों आज की रात अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे आपकी वो छोटी सी छोटी बात हो, चाहे बड़ी सी बात क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ है। यशाया की किताब 30:18 ऐसा कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विकल्प करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है, ईश्वर है, क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाता है। जो परमेश्वर पर आशा लगाता है उसको धन्य कहते हैं। इफिसियों के पत्री तीसरा अध्याय 20 इस तरीके से कहा जाता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है और हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। दोस्तों पहली तस्लियों की पत्र इसके 5:18 हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, चाहे आपकी समस्या कुछ भी हो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। अगर आप बुरे अवस्था से भी गुजर रहे हैं और आप परमेश्वर पे अगर अपने आप में अपनी आंखें लगा रखी हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों आपको खुदावंद कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। रोमियो की पत्री 8:28 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 8:28 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार
बुलाए गए, जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, और जो उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मिल मिलाकर, तो उनके लिए हर चीज भलाई उत्पन्न करती है। दोस्तों, आज की रात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी शारीरिक अवस्था हो, चाहे आप किसी रोग से जूझ रहे हो, चाहे आप कार्यस्थल में किसी चीज से जूझ रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हमें आत्मिक रूप से सोचना है, शारीरिक रूप से नहीं। और आत्मिक रूप से कैसे सोच सकते हैं? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगी, पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको सीधा दिखाएगी, और आप अपने आप को समर्पित करें। देखिए कैसे परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्ते आने वाले दिन खोलता है। आप अपने ऊपर, अपनी अपनी समझदारी पर डिपेंड ना हो, मगर खुदा के हाथ में देख के देखें। लेट हिम बी योर ड्राइवर, लेट हिम टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। खुदावंद आपको आशीष दे। मैं दुआ करना चाहूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दिया। खुदावंद खुदावंद, कई दफा हम अपने आप को इतने काबिल समझते हैं, हम सोचते हैं कि हर एक कार्य हम कर सकते हैं और हर एक कार्य हमारे हाथ से होना चाहिए और हम जैसे निर्धारित करें उस तरीके से होना चाहिए, मगर खुदावंद उस समय भी तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा। खुदावंद तू हमारा परमेश्वर है, हमारी हमारा भरोसा तुझ पर है, हमने तुझ पे अपना भरोसा छोड़ रखा। खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा से तू हमको भर, और तू हमको सही रास्ता क्या है गलत रास्ता क्या है दिखा, और तेरी आत्मा के अनुसार हम जीना चाहते हैं। हम इस दुनिया में जरूर हैं, मगर हम दुनिया के नहीं है, वरन खुदा हम तेरे हैं, सिर्फ तेरे हैं, तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू पास्टर जस्टिन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए हम आशीष पाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमन की पत्री 8वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वर्स 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। वर्स 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज परमेश्वर ने हमें इस वचन से आशीषित किया, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम में से हर एक, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा देश, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने पाए। हालेलुया, हम अपने आप को समर्पित करें। अभी गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज गीत गाने के लिए सिस्टर विनी तेजस जो हमारे मध्य में, सिस्टर विनी को गीत गाने के लिए लाइन में स्वागत करते हैं। सिस्टर विनी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सो मैं गीत प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ। सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, मेरा तू दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान,
मेरा तू दृगण शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंत परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें यह मौका दिया परमेश्वर कि हम आपको महिमा दे सके परमेश्वर, क्योंकि महिमा और आदर और सम्मान सिर्फ आपको और आपको ही अर्पित है परमेश्वर, और आपको ही बिलोंग करता है परमेश्वर। हम आज के दिन के लिए और परमेश्वर इस पूरे हफ्ते के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अपनी हमें सहायता की और अपनी फेथफुलनेस हमें दिखाई परमेश्वर, और हम सबका साथ दिया परमेश्वर, हम लोग को हमारे घरों में सही सलामत पहुंचाया, रात को सुबह पूरे टाइम आपने हमें हमारे ऊपर अपनी नजर रखी परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा प्रभु ना कभी थकता है ना कभी सोता है। थैंक यू फादर गॉड दैट यू नेवर स्लीप नॉर स्लम्बर लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड गॉड दैट खुदावन परमेश्वर कि आपकी नजर आपके बच्चों पर है, आपका हाथ हमारे ऊपर है परमेश्वर की, आपका वचन कहता है कि आपने हम सबका नाम अपने हाथ में कार्व करके रखा है परमेश्वर, आपने हमें अपनी आँख की पुतली बोला है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस प्यार के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत परमेश्वर, आपके आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपका लहू बहा, जो आपने घोड़े खाए परमेश्वर, जो आपने एक एक के लिए सोचा परमेश्वर, कि आपने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के मरने के लिए दे दिया, कि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदावन परमेश्वर से बड़ा कोई तोहफा नहीं है परमेश्वर, ये आपने हमारे लिए जो किया है परमेश्वर, और जीसस आपने हमें अपना होली स्पिरिट दिया, पवित्र आत्मा दिया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा कि हम आपके आपके पवित्र आत्मा के थ्रू हम राइट और रॉन्ग की पहचान कर सके, जैसे पास्टर ने प्रीच किया कि हमें सही और गलत की पहचान हो सके, और हम अपनी अपनी सोच पर प्रोवर्ब्स के अकॉर्डिंग हम अपनी सोच के ऊपर निर्भर ना कर सके, पर हम हर चीज में अपने प्रभु का हाथ मांगे और प्रभु के दिखाए रास्ते पर चले, और वो ही हमें रास्ता दिखाने वाला है, वो ही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। उसने कहा है कि नैरो पाथ को चूज करो परमेश्वर, हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर इन लास्ट के डेज में, इस टाइम में परमेश्वर, व्हेन द टाइम्स आर सो टफ लॉर्ड, कि हम आपको कभी डिसोन ना करें परमेश्वर, जैसी भी सिचुएशन आई परमेश्वर हम आपको हमेशा पकड़े रहे परमेश्वर, हमेशा परमेश्वर उस स्त्री की तरह जो जो there was a woman in the Bible who held who was having bleeding problem for 12 years and she touched the hem of his garment parmeshwar jab usne aapko aapko chua to aapne kaha ki mere andar se samarth power nikla hai aur wo kisne mujhe chua parmeshwar aapne jab chua lord aapne jab chua to power uske upar aayi aapki puri samarth uske upar aayi parmeshwar wohi samarth ke liye hum pray karte hain parmeshwar hum dua karte hain parmeshwar ki aaj hum aapko chhu rahe hain parmeshwar aaj hum aapke dil को छू रहे हैं परमेश्वर कि वही सारी सामर्थ्य और पावर हमारे ऊपर आ सके परमेश्वर, कि हम लोग पे आपकी कृपा दृष्टि हो सके परमेश्वर। यस लॉर्ड गॉड वी आस्क यू लॉर्ड गॉड, आप हम सबको एक बार फिर परमेश्वर, जो लोग भी इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन पे हैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, और अपनी फेथफुलनेस के अकॉर्डिंग परमेश्वर उनको अगली बार फिर
आप ये लाइन पे ला सके कि हम आपको सब तरह की नीड्स और कंसर्न्स आपके आगे रख सके, आपकी महिमा कर सके और एक दूसरे के साथ फेलोशिप में बढ़ सके. परमेश्वर धन्यवाद कबूल करे अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन.